पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन में जावास थाना प्रभारी हिमांशु भेड़िया ने अब तक अनेक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने में उनका जवाब नहीं है। वहीं अन्य प्रांतों में जाकर आरोपी को खोज निकालने में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने एक बार अपनी हुनर से विभाग का सिर ऊंचा किया है। बताया गया है कि उन्होंने डीजल चोरी करने वाले गिरोह के मंसूबों पर पानी फेरते हुए लगभग 16.17 लाख कीमत का डीजल बरामद किया। बताया गया कि आगामी स्तरीय चुनावों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी हिमांशु भेड़िया द्वारा पुलिस टीम के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है। रात्रि 2:30 बजे के लगभग पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बीना कानपुर लाइन से अज्ञात चोर डीजल चोरी कर ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर उन्होंने तत्काल छापेमारी कर डीजल से भरा ट्रक बरामद किया। पुलिस को देखकर आरोपी घटना स्थल से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन में एवं भेड़िया के नेतृत्व में लगातार मिलती कामयाबी पर लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की है। श्री भेड़िया ने बताया कि लाखों रुपए के डीजल से भरा ट्रक बरामद कर आरोपी की तलाश की जा रही है। हुआ है अभी का दिनांक 20-21 के दरमियानी रात करीबन 2-3 बजे की बात है। मुखबिर द्वारा थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ईसोन के पास में जो बीना रिफाइनरी से कानपुर के लिए डीजल पाइपलाइन निकली है अंडरग्राउंड, वहां से गड्ढा खोदकर डीजल पाइपलाइन से टैंकर में चोरी से डीजल भरकर ले जाने की फिराक में, जो उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, परंतु जो डीजल टैंकर वहाँ भरा हुआ था उसे चेक किया, जिसके अंदर करीब 17,000 लीटर डीजल भरा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है, जिसको मौके पर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है एवं अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 389 का मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की तलाश अभी जारी है। टीकमगढ़ लेधौरा से ईडी न्यूज के लिए मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।